शिक्षक संघ शेखावत का शुरू हुआ सम्मेलन, शिक्षा को निजी क्षेत्र के हाथों में देने पर किया विरोध, शिक्षा की मांगों पर भी हुआ विचार विमर्श। शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए किशनगढ़ में शिक्षक संघ शेखावत की ओर से शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में सरकार की शिक्षक नीतियों के प्रति भी रोष जताया गया। ये राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित राजस्थान के टीचर्स के लिए शैक्षिक गुणवत्ता, शिक्षकों की समस्याओं आदि को लेकर 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आज से यहाँ किशनगढ़ के गांधी न्यायशय विद्यालय में प्रारंभ हुआ है। इस सम्मेलन में राजस्थान की सरकार और भारत की केंद्रीय सरकार दोनों ने शिक्षा को पीपीपी मोड पर देने का जो फैसला किया है, उससे पूरा शिक्षक समाज आंदोलित है, उद्वेलित है। शिक्षक समाज ये सोच रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की भावना लेकर जो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, चिकित्सालयों की व्यवस्था करती है, वही सरकार आज पीपीपी मोड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मसले को लेकर विद्यालयों को देने जा रही है। आपने पढ़ा होगा 322 विद्यालयों को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। राजस्थान का पूरा शिक्षक समाज इस बात को लेकर पूरे विरोध में है और ये जो जनता के विरुद्ध ये कार्यवाही ये कर रही है सरकार, इसका हम विरोध करेंगे। यहाँ पर हम निर्णय लेंगे, प्रस्ताव लेकर पारित करेंगे, कल प्रस्ताव लिए जाएंगे। सरकार 60वां वेतनमान नहीं दे रही है, ऐसे इस दशा में ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और इस सम्मेलन में हम निर्णय लेकर सरकार को प्रस्ताव भी भेजेंगे और आवश्यक होगा वहां पर हम विरोध भी करेंगे। चंद्रशेखर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत।